أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. आज हम बात करेंगे ऑनलाइन क्लासेस में यूजुअली हमारे लिए काफ़ी चैलेंजिंग काम होता है एक टेस्ट लेना, बिकॉज बच्चों अगर आपको पिक्चर्स की फॉर्म में अपना टेस्ट दे रहे हैं, या एक तो उसमें चीटिंग का चांस ऑब्वियसली होता है, मज़ीद ये कि उसको चेक करना काफ़ी चैलेंजिंग होता है टीचर्स के लिए. सो फॉर ईज मैं आज आप लोगों को बता रही हूँ कि कैसे आप गूगल फॉर्म्स को यूज़ करते हुए ऑनलाइन सर्वेज या ऑनलाइन टेस्ट ले सकते हैं अपने स्टूडेंट से, और उसके लिए आपको करना क्या है. व्हाट यू नीड टू डू इज़ वॉच दिस फुल वीडियो एंड लाइक इट इफ़ यू लाइक इट, ऑब्वियसली हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू गो टू योर ब्राउज़र, आपका जो भी ब्राउज़र आप यूज़ कर रहे हैं. आई एम यूजिंग गूगल क्रोम राइट नाउ. तो इन गूगल क्रोम व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज राइट डाउन गूगल फॉर्म्स. जैसे मैंने अभी यहाँ पर ऑब्वियसली एक दफ़ा गूगल फॉर्म्स अभी खोला था. ओके, गूगल फॉर्म्स में आपके पास सबसे पहले ही गूगल फॉर्म्स ही आ जाते हैं. आप इसको क्लिक कीजिए और यहाँ से आप बिजनेस नहीं, गो टू गूगल फॉर्म्स ऑन पर्सनल, पर्सनल के टैब पर क्लिक करेंगे और आपके पास गूगल फॉर्म्स खुल जाएंगे. यहाँ नीचे आपको कुछ फॉर्म्स नज़र आ रहे हैं जो मैंने ऑलरेडी बनाए हुए हैं, अपने ऑनलाइन टेस्टिंग में यूज़ करती रही हूँ. बट राइट नाउ मैं आपको एक नया न्यू गूगल फॉर्म बनाना सिखाऊंगी. आप ब्लैंक फॉर्म खोलिए. यहाँ पर ऑलरेडी कुछ, मैं आपको बैक पर दिखाती हूँ, कुछ टेम्पलेट्स जो हैं ऑलरेडी बनी हुई होती हैं. अगर आप इनमें से कोई चूज़ करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं. बट राइट नाउ क्योंकि हम एक न्यू अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड टेस्ट बनाना चाहते हैं या ऑनलाइन असेसमेंट बनाना चाहते हैं, तो आप ब्लैंक गूगल फॉर्म यूज़ करेंगे. राइट, यहाँ पर आप अपने फॉर्म का टाइटल देख सकते हैं. लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम पाकिस्तान से रिलेटेड, पाकिस्तान स्टडीज़ हमारा चैप्टर है एंड वी आर वी वॉन्ट टू टेक एन असेसमेंट रिलेटेड टू पाकिस्तान स्टडीज़. यहाँ पर आप पाकिस्तान इसकी डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं. पाकिस्तान में की बजाय हम कहते हैं कि जी ये पाकिस्तान स्टडीज़ है, हमने अपना सब्जेक्ट लिख दिया. आप अपनी मर्ज़ी से अपना टाइटल सेट कर सकते हैं. डिस्क्रिप्शन आप में कह दे सकते हैं कि जी ये हम इस वक्त चैप्टर टू की असेसमेंट कह दें आप इसको, या टेस्ट कह दें, इट्स अप टू यू. यहाँ से आप अनटाइटल्ड क्वेश्चंस हैं, यहाँ पर आप अपने क्वेश्चन स्टेटमेंट्स लिखना स्टार्ट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लिखती हूँ, व्हेन डेड पाकिस्तान केम इनटू बीइंग, क्वेश्चन मार्क. यहाँ पर आप ऑब्वियसली अपने जो भी करेक्शंस हैं वो आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं. अब इसका डिपेंड करता है कि आप अपना असेसमेंट किस तरह की लेना चाहते हैं. यहाँ से आप अपने क्वेश्चन की टाइप सेट कर सकते हैं. यू वांट द आंसर इन द फॉर्म ऑफ अ शॉर्ट आंसर, अ पैराग्राफ, मल्टीपल चॉइस. मल्टीपल चॉइस में क्या होगा कि यू विल गिव मोर देन टू चॉइसेस एंड देन अमंग दोज टू और थ्री चॉइसेस द स्टूडेंट्स विल हैव टू चूज वन. राइट, चेक बॉक्सेस आप कब यूज़ करते हैं, जब आप बच्चों को ये ऑप्शन देते हैं कि वो एक से ज़ायद ऑप्शन जो हैं वो चूज़ कर सके, तो उसके लिए आप चेक बॉक्स यूज़ करेंगे. ड्रॉप डाउन मेन्यू यूज़ कर सकते हैं आप. ड्रॉप डाउन मेन्यू में यूजुअली क्या होता है कि आप अगर बच्चों के नाम वगैरह जो है वो साथ में, बच्चों का रिकॉर्ड भी साथ में सेलेक्ट करना चाहते हैं कि आपको पता चल जाए कि आपके ये कौन सा स्टूडेंट है जिसने ये टेस्ट अटेम्प्ट किया है, वो किस इंस्टीट्यूट से, या किस इंस्टीट्यूट, तो ऑब्वियसली आपका योगा किस क्लास से ताल्लुक रखता है, क्लास के किस सेक्शन से ताल्लुक रखता है. यू हैव टू कीप अ रिकॉर्ड ऑल्सो. तो उसमें आप ड्रॉप डाउन मेन्यू यूज़ करके बच्चे का उसमें आप सेक्शन जो हैं वो मैंशन कर सकते हैं. वहाँ से बच्चा अपना सेक्शन जो है वो चूज़ कर लेगा, या अगर आपने कोई फाइल अपलोड करना चाहते हैं, या डिफरेंट टाइप्स की, इवन के आप डेट एंड टाइम भी सेट कर सकते हैं. अच्छा जी, इस वक्त जो क्वेश्चन है व्हेन डिड पाकिस्तान केम इन टू बीइंग, मैं चाहती हूँ ये हो मल्टीपल चॉइस की फॉर्म में. ठीक है, मैंने मल्टीपल चॉइस चूज़ किया और यहाँ मैं डिफरेंट ऑप्शंस दे दूँगी. आई एम गिविंग ऑप्शंस 1947,
एड अनदर ऑप्शन टू गिव द सेकेंड ऑप्शन, आई से इट्स 1948, या आई कैन गिव अनदर ऑप्शन लाइक 1949. ओके, वन डेड पाकिस्तान केम इन टू बींग, राइट. अब ये देखने के लिए कि बच्चे का जो भी असेसमेंट, जो भी आंसर बच्चा देगा उसमें से करेक्ट आंसर कौन सा है, आपके पास ये भी ऑप्शन होता है गूगल फॉर्म्स में कि आप ऑलरेडी पहले ही जब आप टेस्ट बना रहे हैं या असेसमेंट बना रहे हैं तो उसी वक्त आप करेक्ट आंसर भी फीड कर दें फॉर्म में. उससे क्या होगा, बच्चा जब भी अपना क्वेश्चन अटेम्प्ट करेगा, जब वो आपको फॉर्म सबमिट करेगा, तो उसे ऑलरेडी जो है पता चल जाएगा कि मैंने कौन सा क्वेश्चन रॉन्ग किया है और उसमें उसका करेक्ट आंसर क्या था. ठीक है, उसके लिए आप क्या करते हैं कि आप अपने ऑप्शंस तीनों ऐड कर दी, आप कहते हैं जी ये रिक्वायर्ड है, इसका आंसर बच्चा लाजमी दे, कोई भी क्वेश्चन बच्चा मिस नहीं करे. उसके लिए ये कीजिए कि ये रिक्वायर्ड का बटन आप प्रेस कर दें. अब आंसर्स एक दफ़ा हम दो तीन क्वेश्चंस ऐड कर लेते हैं और उसके बाद हम आंसर्स लेते हैं. बट उससे पहले मैं चाहती हूँ कि जी यहाँ पर ये जो प्लस का साइन है इसको क्लिक करेंगे आप तो आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट आ जाएगी. अच्छा, जो एक चीज़ हम भूल गए कि जी हम बच्चे का नाम और सेक्शन अगर चूज करना चाहते हैं तो हम कहते हैं यहाँ पर राइट योर नेम. ठीक है, नेम तो ऑब्वियसली बच्चा शॉर्ट आंसर की फॉर्म में देगा. एंड दिस विल आल्सो बी रिक्वायर्ड, इसके लिए भी आप रिक्वायर्ड का बटन ये क्लिक कर देंगे. और एक चीज आप ऐसा करना चाहते हैं कि जी सबसे पहले बच्चा अपना नाम लिखे. ओके, हमने इसको क्लिक किया और ड्रैग करके हम इसे ऊपर ले गए, इट डिडंट गो. ओके, हम ड्रैग करके ऊपर ले गए. अब आप जिके स्टूडेंट का नाम सबसे पहले आएगा, इसके बाद अगेन यहाँ से आप नेक्स्ट एक और क्वेश्चन ऐड कर लें यहाँ पर के चूज योर सेक्शन, चूज योर सेक्शन. अब चूज योर सेक्शन में आप मल्टीपल चॉइस नहीं देते, आप कहते हैं कि जी यहाँ पर ड्रॉप डाउन मेन्यू आए. और ड्रॉप डाउन मेन्यू में फॉर एग्जांपल हमारे पास ए से ई तक के अगर सेक्शंस हैं तो अब ये किस क्लास के लिए, वो तो ऑब्वियसली आपको पता ही होगा. चले हम कहते हैं कि जी इफ इट इज 5A, फाइव ए के लिए है, या फिर ये 5B के लिए है, या फिर ये 5C के लिए है, या ये बच्चा 5D से ताल्लुक रखता है, या 5E से ताल्लुक रखता है, या व्हाटएवर. ठीक है, आप जितने भी सेक्शन हैं उनमें से उस बच्चे का, क्योंकि ऑब्वियसली सेम नाम के भी बच्चे हो सकते हैं सेम सेक्शन में भी और डिफरेंट सेक्शन में भी, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि ये कौन सा बच्चा किस सेक्शन से ताल्लुक रखता है. ठीक है, यहाँ पर आप स्टूडेंट आईडी का ऑप्शन भी ऐड कर सकते हैं इफ़ यू वॉन्ट टू, इट्स अप टू यू नाउ. ठीक है, और इस ऑप्शन को भी आप रिक्वायर्ड कर दें ताकि कोई भी बच्चा इस क्वेश्चन को स्किप ना करे, मतलब वो अपना नाम लाजमी दे. अगर आप जब आप ये रिक्वायर्ड का बटन प्रेस कर देंगे तो कोई भी बच्चा इनमें से जो जितने भी क्वेश्चंस होंगे उन सब को अटेम्प्ट किए बगैर आगे नहीं बढ़ सकेगा. ठीक है, चलें जी, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था. जितने क्वेश्चंस आप ऐड करना चाहते हैं आप ऐड कर सकते हैं. हम एक और क्वेश्चन ऐड करते हैं जी, हु वॉज द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान. फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, ठीक है. अब ये सारा कैप्स लॉक में चला गया है, आप चाहें तो इसको मैंने कैप्स लॉक एक्चुअली दबाया था तो इसलिए. चले जी, पाकिस्तान करेक्शन करें. अब हु वाज़ द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का फाउंडर कौन था. अगेन आप मल्टीपल चॉइस की फॉर्म में लेना चाहते हैं तो भी ले सकते हैं, उसमें आप डिफरेंट ऑप्शन देंगे. और ऑब्वियसली फाउंडर ऑफ पाकिस्तान तो जस्ट वन ही है हमारे पास, कायदे आजम का ही हम नाम लेंगे, हम किसी और का नाम तो नहीं ले सकते कि जी ये भी था और ये भी था और ये भी था. मोर देन वन ऑप्शन अगर आपके पास हो, कोई भी क्वेश्चन आपका ऐसा होता है कि जिसमें मोर देन वन ऑप्शन हो सकती हैं, जैसे आपका क्वेश्चन अगर हो गया कि व्हाट आर द मेन एक्सपोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान, तो उसमें हमारे पास दो तीन ऑप्शन आ सकती हैं कि हम उन तीनों को चेक करना चाहते हैं, तो फिर हम चेक बॉक्सेस यूज करेंगे. अदरवाइज हम मोस्टली मल्टीपल चॉइस ही यूज करते हैं. मल्टीपल चॉइस यूज करने का एक फायदा ये भी है कि ये ऑटो पर चेक हो जाता है. अगर आप शॉर्ट आंसर्स की फॉर्म में क्वेश्चन कोई भी असेसमेंट लेना चाहते हैं तो जस्ट एक प्रॉब्लम उसका आता है कि उसकी चेकिंग आपको मैनुअल करनी पड़ती है, जो कि अगेन थोड़ा सा हेक्टिक काम है.
तो उससे बेटर समझा जाता है कि ऑप्शंस की फॉर्म में या एमसीक्यूज की फॉर्म में बच्चों से असेसमेंट ले लीजिए। अच्छा जी, हु वाज द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान में यहाँ हम ऑप्शंस देते हैं कि जी वाज इट अल्लामा इकबाल, या हम कहते हैं वाज इट लियाकत अली खान, और वाज इट कायदे आजम। ठीक है, अब और इसको भी हमने रिक्वायर्ड कंपलसरी कर दिया। ठीक है, अब इसमें अगर आपको लगता है कि कोई भी क्वेश्चन जो है वो आपका रॉन्ग है, आपको सूटेबल नहीं लग रहा, तो ये डिलीट का बटन है, आप इसे करके पूरा क्वेश्चन वो डिलीट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं अपने फॉर्म में से। ओके, अभी के लिए हम चले देखते हैं, इतने ही क्वेश्चन को देखते हैं। अभी हमने ये दो क्वेश्चन ऐड कर दिए, बट राइट नाउ हमने फॉर्म को बताया नहीं है कि कौन से क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, या अभी हमने इसे क्विज नहीं बनाया। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपने जब वंस यू हैव एडेड ऑल द क्वेश्चंस यू वांट टू आस्क योर किड्स, अब आप क्या करेंगे, यू विल गो टू द सेटिंग्स। सेटिंग्स में जाएंगे और रिक्वायर साइन इन, इसको लिमिट टू वन रिस्पॉन्स कर देंगे। इससे क्या होगा कि एक बच्चा एक दफा ही आपका टेस्ट अटेम्प्ट कर सकेगा। ठीक है, अगर आप इसको लिमिट नहीं करते तो फिर तो बच्चा एक दफा करेगा, उसने गलतियां अपनी चेक कर ली, ओके, वो उसने दोबारा अटेम्प्ट करके दे दिया, जो कि सारा टेस्टिंग का या असेसमेंट लेने का मकसद ही फोत हो जाता है उसमें। तो हमने क्या किया, इसको लिमिट टू वन रिस्पॉन्स कर दिया। एडिट आफ्टर सबमिट, सबमिशन के बाद हम रिस्पॉन्डेंट्स को ये ऑप्शन नहीं देंगे कि वो एडिट कर सके। सी समरी चार्ट्स एंड टेक्स्ट रिस्पॉन्सेज, ये अभी हम उसे नहीं दे रहे। ईमेल एड्रेसेस अगर आप उनके कलेक्ट करना चाहते हैं तो कलेक्ट कर लीजिए, इसको चेक कर दीजिए, अदरवाइज इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, प्रेजेंटेशन इसकी कैसे होगी कि शफल क्वेश्चन ऑर्डर, नहीं हम नहीं चाहते कि इसके क्वेश्चन ऑर्डर शफल हो, प्रोग्रेस बार भी शो करने की ज़रूरत नहीं है। कंफर्मेशन मैसेज, अब यहाँ पर ऑटो पर ये मैसेज लिखा हुआ होता है, योर रिस्पॉन्स हैज बीन रिकॉर्डेड, इफ़ यू वांट द सेम मैसेज तो इसी को रहने दें, अदरवाइज आपका जो भी मैसेज आप लिखना चाहते हैं, लाइक मैं लिख देती हूँ कि जी थैंक यू फॉर अटेम्प्टिंग द टेस्ट। ठीक है, अब जब भी फॉर्म सबमिट होगा तो आपके पास ये, जब आप फॉर्म सबमिट करेंगे, कोई भी स्टूडेंट फॉर्म सबमिट करेगा तो ये उसका आपकी तरफ से उसे एक मैसेज चला जाएगा। क्विजेस के ऑप्शन में आके मेक दिस अ क्विज, इसको चेक कर देंगे आप। ठीक है, इससे क्या होगा कि अब आपके पास ये ऑप्शन है कि आपने जितने भी क्वेश्चंस बनाए थे उनको आप मार्क्स या पॉइंट्स असाइन कर सकते हैं। ठीक है, और क्विज ऑप्शन पे रिलीज ग्रेड के इमीडिएटली आफ्टर सबमिशन के उसी वक्त आपने अगर मल्टीपल चॉइस की फॉर्म में आंसर दिया हुआ है, आप सब क्वेश्चंस के आंसर्स ऑलरेडी बता दिए हैं, तो उसी वक्त बच्चे को पता चल जाएगा कि मेरा कौन सा क्वेश्चन गलत है, कौन सा क्वेश्चन ठीक है, उसको रिजल्ट उसका मालूम हो जाएगा कि टोटल में से उसके कितने पॉइंट्स आए हैं। लेकिन लेफ्ट लेटर आफ्टर मैनुअल रिव्यू, ये उस वक्त होता है जब आपने शॉर्ट आंसर्स या पैराग्राफ की फॉर्म में आंसर्स लिए हैं बच्चों से, तो उसके लिए आपको मैनुअली हर बच्चे का फॉर्म जो है वो चेक करना पड़ेगा, और फिर उसका ईमेल भी ऑब्वियसली आपको लेना पड़ेगा, और फिर आप उसको वाया ईमेल उसका रिजल्ट भेजेंगे। ठीक है, हम अभी ये मल्टीपल चॉइस की फॉर्म में बना रहे हैं तो हम कहते हैं जी इमीडिएटली आफ्टर इट्स सबमिशन उन्हें पता चल जाए। रिस्पोंडेंट्स कैन सी मिस्ड क्वेश्चंस, करेक्ट आंसर्स एंड पॉइंट वैल्यूज, अब उन्हें नजर आ जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन उन्होंने मिस किया है। ठीक है, और जब वो मिस्ड क्वेश्चन उन्हें नजर आएगा, अब ये क्योंकि हमने सब क्वेश्चंस को क्योंकि रिक्वायर्ड कर दे, तो इसे ये अगर नहीं भी होता तो, क्योंकि जब तक वो तमाम क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करेंगे तब तक वो फॉर्म सबमिट ही नहीं करा सकते। लेकिन अगर हमने सब क्वेश्चन का रिक्वायर्ड वाला टैब ऑन नहीं किया था, तो हम अगर जब भी बच्चा ने स्टूडेंट ने आपके अपना जब ग्रेड्स देखेगा तो उसमें जो भी रॉन्ग आंसर्स होंगे उनके करेक्ट आंसर्स भी देख लेगा, पॉइंट वैल्यूज भी आती जाएंगी उसके पास कि हर क्वेश्चन को कितने मार्क्स या कितने पॉइंट्स असाइन किए हुए थे, और फिर उसे ये भी नजर आ जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन है जो उसने मिस कर दिया था। ठीक है, या जिसका आंसर उसने नहीं दिया। जस्ट ये सिंपल सेटिंग्स करके आपने सेव कर दिया। ठीक है, नाउ यू हैव, वंस यू हैव सेव्ड इट, जब आपने क्विज बनाया, अब आप देख रहे हैं कि हर क्वेश्चन के नीचे यहाँ आंसर की का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, इस क्वेश्चन के नीचे भी आंसर की का ऑप्शन आ रहा है। अब आंसर की के ऑप्शन को प्रेस करें और जो करेक्ट ऑप्शन है उसको ऑटो पर क्लिक कर दें। व्हेन डिड पाकिस्तान केम इनटू बीइंग, जी ये 1947 में था।
टिक हो गया, उसके सामने ग्रीन टिक लगा नज़र आ गया। अभी ये सिर्फ आपको नज़र आ रहा है, ये आपके स्टूडेंट्स को नज़र नहीं आएगा, ठीक है। और आपने पॉइंट्स असाइन कर दिए, लेट्स से जी मैं इसको 1 पॉइंट असाइन करना चाहती हूँ या 2 पॉइंट्स, या चले मैं अभी 5 पॉइंट्स असाइन करती हूँ इसको, ठीक है। कि अगर इस क्वेश्चन का आंसर उन्होंने करेक्ट दे दिया तो उन्हें 5 पॉइंट्स मिल जाएंगे। डन का बटन प्रेस कर दें, आपका पहला आंसर आपने सेव कर लिया, राइट। सेकेंड क्वेश्चन पर आइए, अगेन आंसर की को क्लिक कीजिए और करेक्ट ऑप्शन को चेक कर दीजिए। हु वाज द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, जी हम कहते हैं इट वाज कायदे आजम, करेक्ट आंसर है। और इसको भी हम 5 पॉइंट्स असाइन कर देते हैं, राइट। डन, एंड हमने दोनों क्वेश्चंस को, अभी हमने क्योंकि दो ही क्वेश्चंस अटेम्प्ट इधर डाले हैं अपने फॉर्म में, आप चाहें तो मजीद कितने भी क्वेश्चंस डाल सकते हैं। यू वांट टू टेक इट टू 10 क्वेश्चंस और 20 क्वेश्चंस और व्हाट एवर यू वांट टू डू, ठीक है। और उसी हिसाब से आप जितने भी पॉइंट्स देना चाहते हैं आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप टोटल पॉइंट्स में देख लीजिए, आपके पास टोटल पॉइंट्स आ रहे हैं 10, क्योंकि हमने दोनों को 5-5 पॉइंट्स दिए हैं। तो उसने बता दिया कि जो आपने क्विज बनाया है वो इस वक्त 10 पॉइंट्स का बना है या 10 मार्क्स का बना, ठीक है। ये फॉर्म आपका तैयार हो गया, लेट्स से, ठीक है। आप मजीद क्वेश्चन ऐड करना चाहते हैं तो यू कैन डू इट। इसके बाद आपने क्या करना है कि आप सेव करेंगे इसको, अनटाइटल फॉर्म के इधर क्लिक करें तो यही जो आपने फॉर्म का टाइटल था यही आपके पास आ जाएगा, और सेव के ये ऑटो पर आपकी गूगल ड्राइव में सेव होता जाता है, ठीक है। नाउ किसी स्पेसिफिक फोल्डर में रखना चाहते हैं तो वो भी देख सकते हैं, अदरवाइज अभी यहीं पर आप गूगल ड्राइव में जाएंगे। हम चलें इसको एक नया टैब खोलते हैं, गूगल फॉर्म को क्लोज करते हैं और गूगल ड्राइव में जाकर देखते हैं कि क्या हमारा ये फॉर्म बन चुका है या नहीं। हमारी गूगल ड्राइव में ये देखिए पाकिस्तान स्टडीज के नाम से ये फॉर्म बन चुका है, ठीक है। डबल क्लिक कीजिए, ये आपके पास ओपन हो जाएगा, लेकिन अभी ये एडिटेबल फॉर्म में ओपन हुआ है। क्यों? क्योंकि ये आपने बनाया है और आप ही के कंप्यूटर पर या आप ही की आईडी से खुल रहा है। यहाँ से आप जो है अपने स्टूडेंट्स के रिस्पॉन्सेज देख सकते हैं, क्योंकि अभी 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 आपने ये असेसमेंट बनाई है और इसलिए अभी तक कोई रिस्पांस यहाँ नहीं आया है, ठीक है। अब बच्चों तक ये असेसमेंट जाएगी कैसे और उन्हें किस तरह से नजर आएगी, उसके लिए हम क्या करेंगे, आप जाइए बैक अपनी गूगल ड्राइव पर, ठीक है। वहां से भी कर सकते हैं बट हम यहाँ से करते हैं, देखते हैं। पाकिस्तान स्टडी, ये हमारा फॉर्म था, राइट। राइट क्लिक कीजिए एंड गेट लिंक। गेट लिंक जब आप करेंगे तो ये आपके फॉर्म का लिंक, असेसमेंट का लिंक आ जाएगा, ठीक है। आपने इस लिंक को कॉपी करना है और जहां भी, चाहे आप व्हाट्सएप पर बच्चों से असेसमेंट ले रहे हैं या आप जूम ऑनलाइन क्लासेस, जूम ऐप यूज करते हुए बच्चों के ऑनलाइन क्लास के अंदर ही ये असेसमेंट लेना चाहते हैं, तो वहां पर जाकर बच्चों को आपने ये लिंक सेंड करना है, चैट बॉक्स के थ्रू करें या उनके पर्सनल नंबर्स पर करें, व्हाट एवर यू डू, ठीक है। ये अब आप पर डिपेंड करता है। यहाँ से कॉपी लिंक करें और अपनी जूम क्लास में, देखें ये मैंने लिंक कॉपी किया और ये मैं गई अपनी जूम क्लास में एंड मैंने जूम के चैट बॉक्स में मैं किधर गई मेरी क्लास, टेंथ में गई, मैं अपने चैट बॉक्स में ये लिंक उधर से जो मैंने कॉपी किया था वो मैंने पेस्ट कर दिया, एंटर, ये लिंक बच्चों के पास चला गया। अब जैसे ही वो इस लिंक को क्लिक करेंगे उनके पास गूगल फॉर्म खुल जाएगा और वो उस चीज़ को, उस टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकेंगे। वो उस टेस्ट को कैसे अटेम्प्ट करते हैं ये मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताती हूँ। ओके जी, तो आपके स्टूडेंट के पास ये फॉर्म, ये जैसे जो मैंने मैसेज भेजा था वो यहाँ पर इस फॉर्मेट में अवेलेबल है, ये रहा, ठीक है। आपका स्टूडेंट क्या करेगा, उस फॉर्म को क्लिक करेगा तो उसके बाद वो क्रोम से ओपन करना चाहे या जो भी आपने, चलें ठीक है जी, क्रोम से ओपन किया या जिस भी ऐप को यूज़ करते हुए उसने ओपन किया, उसके पास ये देखिए जो आपने असेसमेंट बनाई थी वो इस फॉर्म में इस खुल गई, ठीक है। अब वो करेगा क्या, यहाँ पर वो अपना नाम लिखेगा, लाइक ही हैज़ रिटन हिज नेम एज मॉज, ही विल चूज़ हिज सेक्शन। अब देखिए हमने जब लिखे थे तब
वो किस तरह से थी, और इस वक्त जब वो चूज़ का ऑप्शन आ रहा है, सामने एरो है, वो एरो को प्रेस करेगा और नीचे से अपना सेक्शन चूज़ कर लेगा। लेट्स से ही इज़ इन 5B, ठीक है, उसने चूज़ कर दिया इट्स मार्स फ्रॉम 5B। अब यहाँ पर उसको नज़र आ रहा होगा कि ये कितने पॉइंट्स का क्वेश्चन है, क्वेश्चन और क्वेश्चन की स्टेटमेंट, व्हेन डिड पाकिस्तान केम इनटू बीइंग, 1947, 1948 या 1949, वो अपनी मर्ज़ी का ऑप्शन चूज़ करेगा। लेट्स से उन्होंने 1948 चूज़ किया। सेकंड क्वेश्चन पर आए, हु वाज़ द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, ही सेड इट इज़ कायदे आज़म, ठीक है। अभी उस वक्त तक उसे अपने पॉइंट स्कोर नज़र नहीं आएंगे जब तक कि वो उस फॉर्म को सबमिट नहीं करेगा, ठीक है। और वो उस फॉर्म को सबमिट उस वक्त तक भी नहीं कर सकता अगर उसने इनमें से कोई फील्ड जो है वो फिल नहीं की, फॉर एग्ज़ाम्पल उसने अपना नेम नहीं लिखा था, ठीक है। अब वो सबमिट करेगा तो वो दे देगा रेड कलर में कि दिस इज़ अ रिक्वायर्ड क्वेश्चन, यू हैव टू आंसर इट। वो कहेगा ओके ठीक है जी, मैंने इस फील्ड सॉरी इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया, ठीक है। उन्होंने अपना नाम चूज़ किया, सेक्शन चूज़ किया, तमाम क्वेश्चंस के आंसर दिए और उसके बाद उसने उसे सबमिट कर दिया, ठीक है। थैंक यू फॉर अटेम्प्टिंग टेस्ट। याद है जो मैंने अभी आपको दिखाया था कि जी आप वो क्या मैसेज होगा जो आपके बच्चे को नज़र आएगा, वो ये है, ठीक है। व्यू स्कोर से वो अगेन अपना स्कोर देख सकता है, टोटल पॉइंट्स आउट ऑफ 10 ही हैज़ गॉट 5 पॉइंट्स। आपका नाम था माज उस बच्चे का, उनका सेक्शन था 5B, एंड व्हेन डिड पाकिस्तान केम इनटू बीइंग, इसका आंसर उन्होंने रॉन्ग दिया था, उनके आगे क्रॉस है रेड में, वो जो भी रॉन्ग आंसर्स होंगे वो रेड में उन्हें नज़र आएंगे, जो भी करेक्ट आंसर्स होंगे वो उन्हें ग्रीन में नज़र आएंगे, राइट। रॉन्ग है इसलिए उनमें उनका 5 में से आउट ऑफ 5 ही हैज़ गॉट 0 पॉइंट्स, और नीचे करेक्ट आंसर भी मौजूद है, ठीक है। हु वाज़ द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, करेक्ट आंसर था कायदे आज़म, तो ही हैज़ गॉट 5 आउट ऑफ 5, राइट। इन दिस फॉर्म दिस योर स्टूडेंट विल अटेम्प्ट द क्वेश्चन। After your student have submitted a response, अब आप वो response अपना check कर सकते हैं वापस यहीं पर, right? Responses में जाइए तो आपको नज़र आ जाएगा, उसके सामने ही लिखा हुआ है कि जी एक बच्चे ने अभी तक ये form attempt कर लिया है या ये assessment या test attempt कर लिया है, ठीक है। देखते हैं उसके answers आपको यहीं पर नज़र आ सकते हैं, ठीक है, कि उसने कितने किस क्वेश्चन के सही आंसर दिए, कितने बच्चों ने कितने क्वेश्चंस के सही आंसर दिए, और क्या मतलब ये सारे एनालिटिक्स उस क्वेश्चन के उस असेसमेंट के या टेस्ट के आपके सामने आ जाएंगे। एक तो ये तरीका है, एक और बहुत ही इजी तरीका सब बच्चों का एक साथ रिकॉर्ड रखने का है, वो है एक स्प्रेडशीट। ये क्रिएट स्प्रेडशीट का बटन अगर आप प्रेस कर देंगे और एक न्यू स्प्रेडशीट, वो किसी भी नाम से, आप इस वक्त वो जो आपके फॉर्म का टाइटल था उसी के नाम से और उसके आगे रिस्पॉन्सेज आपने कर दिया, ठीक है। क्रिएट अ न्यू स्प्रेडशीट, जब उन्होंने क्रिएट कर ली स्प्रेडशीट तो अब आपके पास तमाम बच्चों का किस टाइम पर, किस डेट को, किस टाइम पर उन्होंने स्टैम्प किया, अटेम्प्ट किया वो टेस्ट, उनका स्कोर कितना था, उस बच्चे का नाम, क्वेश्चन उसका सेक्शन, और फिर तमाम क्वेश्चंस के आंसर्स, सब कुछ हर बच्चे का टाइम वाइज आपकी इस स्प्रेडशीट पर आ जाएगा, ठीक है। उस यहाँ से रिस्पॉन्सेज को चेक करना, आपके पास एक रफ व्यू आ जाता है, लेकिन आपको क्लियरली अगर आपको 50-60 स्टूडेंट्स आंसर देते हैं तो वो यहाँ पर उनको बारी बारी मतलब इंडिविजुअली ये असेस करना कि इसके कितने मार्क्स, इसके कितने थे, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए स्प्रेडशीट बहुत इजी होती है। स्प्रेडशीट में आपके पास तमाम बच्चों का किस डेट को, किस टाइम पर उस बच्चे ने अटेम्प्ट किया, उसने का कितना स्कोर था, नाम, सेक्शन के साथ, तमाम इंफॉर्मेशन के साथ, तमाम बच्चों का रिजल्ट एक ही फाइल में, एक ही स्प्रेडशीट में आपके पास अवेलेबल होता है। एक और चीज़, ये तो हो गया कि जी आपने फॉर्म बनाया कैसे, ठीक है। एक और चीज़ जो आप इसके साथ कर सकते हैं कि अगर आप चाहें तो अपने इस फॉर्म का थीम चेंज कर सकते हैं, यानी कि वो फॉर्म आपका नज़र किस तरह से है, ठीक है, वो किस तरह से नज़र आएगा। इधर प्रीव्यू से आप चेक कर सकते हैं कि आपका फॉर्म आपके स्टूडेंट्स को किस फॉर्मेट में नज़र आएगा, राइट। ये फॉर्मेट है जो कि अभी आपने देखा भी था जब मैंने एज अ स्टूडेंट अटेम्प्ट किया ये, ठीक है। चलें जी वापस चलते हैं, हम इसका
थीम चेंज कर सकते हैं, कस्टमाइज थीम अपनी मर्जी से ला सकते हैं। अदरवाइज हम यहाँ से भी हेडर, हेडर में आप वो इमेज चूज कर सकते हैं जो आपके टाइटल के साथ नज़र आए। ठीक है, आप यहाँ से इमेज चूज़ कीजिए ऑलरेडी जो के बाय डिफ़ॉल्ट मौजूद हैं इमेजेस, आप वो चूज़ करना चाहें तो वो भी चूज़ कर सकते हैं। एंड इफ़ यू वांट टू ऐड एन इमेज ऑफ योर ओन चॉइस तो आप वहाँ से वो भी कलेक्ट कर सकते हैं। आई थिंक देर इज़ सम दैट इशू जिसकी वजह से इट इज़ टेकिंग टाइम इन अपलोडिंग। ओके आई विल कैंसिल इट। यहाँ से आप थीम कलर जो है वो चेंज कर सकते हैं। बैकग्राउंड कलर अभी इन्होंने बाय डिफ़ॉल्ट ये पर्पल कलर सेलेक्टेड है, अगर मैं इसको रेड ऑरेंज कर देती हूँ, आपने देखा पीछे कलर चेंज हो गया। एंड यहाँ से आप इनकी टोन भी डार्क इफेक्ट भी दे सकते हैं। फॉन्ट स्टाइल इस वक्त बेसिक ही मैंने सेट किया हुआ है और यूजुअली भी मैं बेसिक ही सेट रखती हूँ, बट यहाँ से आप फॉन्ट स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं इफ़ यू वॉन्ट टू। ठीक है, लेकिन क्योंकि स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आई फील इट बेटर कि उनको बेसिक सा समझ में आ जाए जो राइटिंग है, तो इट्स अप टू यू, ये आपकी मर्जी है। ओके जी, इमेज एक दफ़ा फिर ट्राई करते हैं हम हेडर इमेज लगाने की, बिकॉज उससे क्या होता है कि आपके फॉर्म की लुक बहुत अट्रैक्टिव हो जाती है छोटे बच्चों के लिए स्पेशली, उनको अच्छा लगता है कि जी एक उनका पिक्चर फॉर्म में भी कुछ ना कुछ अवेलेबल है। I think it's not opening. ओके जी, सो ये हमारे पास यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शंस खुल गए हैं। आप यहाँ पर वर्क एंड स्कूल से रिलेटेड अगर आप इमेज चूज़ करना चाहें तो वो भी चूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज यू कैन क्रिएट एन इमेज ऑफ योर ओन। ठीक है, पाकिस्तान से रिलेटेड है तो हम थोड़ा ग्रीन कलर लेकर आते हैं। ठीक है जी, ये देखिए ये आ गया आपका हेडर और जो हमने थीम इमेज कलेक्ट सेलेक्ट किया है उससे रिलेटेड थीम कलर्स ये अवेलेबल हैं। हम थोड़ा सा डार्क कलर चाह रहे हैं यूज़ करना चाहते हैं तो मैंने इसको इस तरह से कर लिया। आप चाहें तो अपनी मर्जी से कोई भी कलर चूज़ कर सकते हैं। अच्छा, पाकिस्तान से रिलेटेड मैंने ग्रीन कलर तो देखा था बट आई डेंट सी दैट वट ऑब्जेक्ट इट इज़। ओके, आई वुड लाइक टू चेंज इट, तो मैं इसको चेंज कर देती हूँ विद दिस। दिस इज़ माई फेवरेट वन, आई यूजली यूज़ दिस इमेज। चलें जी, एंड अ बिट डार्कर, एंड व्हाट अबाउट दिस वन, हैज दिस वन, ओके ये वाला ठीक है। ठीक है, तो मैं चाहती हूँ, और आप प्रीव्यू बच्चों के पास कैसा आएगा आप प्रीव्यू में जाके देख सकते हैं कि आपका फॉर्म कैसा नज़र आ रहा है। दिस इज़ योर फॉर्म एंड फाइनल लुक उसकी आपके सामने है। अटेम्प्ट कैसे करेंगे बच्चे और आप उनका रिस्पॉन्स कैसे चेक कर सकते हैं वो भी आपको मैंने बता दिया कि आप अपने फॉर्म की स्प्रेडशीट पर जाइए और वहां से आपको तमाम बच्चों के फॉर्म्स जो हैं वो अवेलेबल हो जाएंगे रिस्पॉन्स। और यहां से ये वाला जो ऑप्शन है व्यू रिस्पॉन्स इन शीट्स, इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास स्प्रेडशीट खुल जाएगी। So guys, that's all for today. This was all about Google Forms. I hope आप लोगों को मज़ीद कोई भी परेशानी इस सिलसिले में नहीं होगी। अपने कमेंट्स में लाजमी बताइए कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। And thank you so much. अल्लाह हाफिज़।